नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सृजन में। और आज हम बात करेंगे रोज़गार की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना हो या मनरेगा, ऐसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो पूरे देश में संचालित हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए मनरेगा की, तो सरकार गारंटी देती है 100 दिनों के रोज़गार की, और प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना में भी रोज़गार बढ़ाने के कई रास्ते दिखाए जाते हैं, जिसका लाभ चुनिंदा योग्य व्यक्ति तक ही पहुंच पाता है। खैर, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनव योजना की जिसका लाभ केवल महिलाएं उठा रही है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मार्गदर्शन दे रहा है प्रदेश के 25 जिलों में। रोजगार के रूप में सिलाई को अपनाकर नई दिशा में आगे बढ़ रही हैं प्रदेश के 22 जिलों की 10,419 ग्रामीण महिलाएं। एक साथ 22 जिलों को समेट पाना मुश्किल है, तो हम आज बात करते हैं प्रदेश के चारों दिशाओं में बसे जिलों की। सबसे पहले बात बुंदेलखंड के सागर जिले की, जहां MPSRLM के अथक प्रयासों से चलाई जा रही श्वेत क्रांति में महिलाओं की अहम भूमिका रही। इसी तरह का एक और सफल प्रयास विकासखंड देवरी के सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। जो महिलाएं अपने घर पर काम करती हैं, और ये जो हमारा है सेंटर, एक परिवार की तरह है। ये सारी हमारी समूह की बहनें हैं, और इन बहनों के साथ में मैं इनके लिए सिखा के मैं इनके लिए रोज़गार से जोड़ देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं जुड़ी हुई हूँ, इसी तरह मैं अपनी तरह इनके लिए भी ट्रेंड करके आगे ले जाना चाहती हूँ। ये देखिए, यहाँ हर उम्र की महिलाएं सिलाई कर रही हैं, कहीं फ्रॉक्स बन रही हैं तो कहीं कुशन। बैग्स में भी नई डिजाइन बनाकर प्रयोग करने में पीछे नहीं है। महीने से आ रही हूँ जिसपुर में, मैंने कुछ सिलाई यहाँ सीखे, क्योंकि पहले फिनेसिंग नहीं आती तो नहीं करती काम, अब पर लेकिन फिनेसिंग आने लगी तो मैं, मुझे काम भी देती हैं और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा काम भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये कुशन और टी शर्ट और टिफ़िन बॉक्स वगैरह, ये सब पेन और बैग, ये सब कुछ मैंने सीखा है यहीं से मेरी मैम ने, क्योंकि मुझे सिखाया है। और मैं आगे चल के यहीं सेंटर जिसमें मैम ने खोला, वैसा मैं भी खोलना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। हिंदी से MA कर रही हूँ मैं 17वीं ईयर में, और साथ में मैं सिलाई का काम भी करती हूँ, जिससे कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ही कुछ घरेलू काम के लिए वो भी आगे कर सकूँ मैं। देखा आपने, आत्मविश्वास से लबरेज हैं ये महिला उद्यमी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत से ही इन्होंने मौका और दस्तूर का पूरा लाभ उठाते हुए स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निश्चित कराते हुए टी शर्ट्स के ऑर्डर हासिल किए। ये हमारी स्वच्छ भारत मिशन की टी शर्ट है सर, ये हम लोगों के यहाँ से 2000 पीस जा चुके हैं, 10,000 का हमारा ऑर्डर है। और ये स्वच्छ भारत मिशन की टी शर्ट जो है, ये हमारा 8,000 का ऑर्डर और रह गया है, जिसमें 1,000 और हमारा कंप्लीट हो गया है। स्वच्छता अभियान के टी शर्ट्स के ऑर्डर जब पूरे होने को थे, तभी इन्होंने मई जून माह से ही स्कूल यूनिफॉर्म के ऑर्डर हासिल करने आरम्भ कर दिए। इन दोनों ऑर्डर्स को पूरा करने के बाद तैयार टी शर्ट्स और ड्रेस मटेरियल की बची हुई कतरनों से अलग अलग तरह के आइटम भी बनाए। ये राउंडेड डिजाइन वाला है सर, इसकी डिजाइन उस वाले से थोड़ा सा हट के है, और इसको बनाने में एक घंटे में एक पीस बन जाता है पूरा। और हमारे यहाँ की महिलाएं एक दिन में 5 का एक सेट रहता है, वो एक पूरा सेट बना लेती हैं दिन भर में। ब्लाउज सी के पहले क्वेश्चन और ड्रेस सेंट, मेरे स्कूल का ड्रेस का पूरा ऑर्डर किया 20,000 ड्रेस का। दीदी जो कुछ बताती हैं, बैग कुशन और टी शर्ट सलवार सूट सब बनाना सीख लिया है। और यहाँ आजीविका मिशन के तहत सर लोगों ने हम लोगों को ट्रेन किया। इस पूरी योजना का क्रियान्वयन किया है ग्रामीण आजीविका मिशन के देवरी ब्लॉक में पदस्थ ग्रुप मोबिलाईजर ने। ये जो सेंटर हमारा चल रहा है, इसको हमने मार्च 2015 में स्टार्ट किया था। ये बहुत ही छोटे रूप में अपन ने स्टार्ट किया था। हमने जो मशीनें आई, कुछ तो अपने जो अपना क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उससे ख़रीदा था, हितकारी संकुल स्त्री संगठन से, और कुछ मशीनें हमने दान से या किसी के पास चैरिटी से मिली हुई थी, जो ख़राब थी हमने उसको सही करवाया। फिर इसको हमने धीरे धीरे सेंटर को आज इस लेवल तक ले आए हैं कि यहाँ पर
हाईटेक मशीनें तक लग गई हैं और अपने महिलाओं को हम जो एक नॉर्मल मशीनों पे काम करती है जो गांव से कभी बाहर नहीं निकलती थी, हम उन महिलाओं को यहां तक लेके आए सेंटर पर और उनके कौशल का विकास कर रहे हैं। सिर्फ देवरी ब्लॉक में ही नहीं पूरे जिले में इस मुहिम को कई और योजनाओं के साथ आगे बढ़ाया है प्रबंधक ने। जो गांव की जो महिलाएं हैं या उनकी जो बच्चियां हैं, गांव के वातावरण के हिसाब से वो गांव के अंदर ही उनको रहना पड़ता है। ये हम लोग अपने सर्वे के दौरान ये चीज़ देखी कि गांव के अंदर ही रहती है। हम लोग इसलिए हमने अपनी महिलाओं को तैयार किया कि कोशिश ये की है कि वो गांव से बाहर निकल के ब्लॉक लेवल पर या जिला स्तर पर आके कुछ ट्रेनिंग्स लें, प्रशिक्षण करें और उसको सीख के फिर अपने गाँव में काम चालू करें या सामूहिक भी एक जगह मिलकर काम चालू कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमने जो छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं देवरी में, सागर में, रहली में, जब रहली के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पंचायतीगढ़ विकास बघेली, उनने एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर मतलब महिला समूहों को प्रदान किया है और वहाँ पर वो लगातार ट्रेनिंग साबुन बनाने की, रेडीमेड गारमेंट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित ब्यावरा में महिलाएं कर्मठता की नई परिभाषा लिख रही है। ब्यावरा तहसील में अब तक घर के सामान्य सिलाई मशीनों पर काम करने वाली महिलाओं ने आधुनिक समय के साथ कदम मिलाए और सफलता की कहानी लिखी। ये है ब्यावरा तहसील का सिलाई सेंटर। महिला एकता सर्व संयोग संस्था के नाम से पहचाने जाने वाले इस केंद्र में महिलाओं ने आधुनिक मशीनों में सफलतापूर्वक काम करके साबित कर दिया कि सामान्य ग्रामीण महिलाओं को सही तरीके से मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाए तो वो किसी से भी किसी भी सूरत में कम नहीं है। जी हाँ, यही कुछ तो कर दिखाया महिला एकता सर्व संयोग संस्था की महिलाओं ने। ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रतिनिधि की मदद से इन्होंने आधुनिक मशीनें खरीदी और इनको ऑपरेट करना सीखा। ये हमारी बहनों ने, समूह के बहनों ने उनकी लगन से, मेहनत से ट्रेनिंग ली है, आज इसको सीख गई हैं। उन्होंने सबसे बड़ा लक्ष्य 6000 टी शर्ट का उनको दिया गया था। इन मशीन के माध्यम से उन्होंने टी शर्टें सिली हैं और एक नया काम जो राजगढ़ जिले में कोई नहीं कर रहा था वो हमारे स्वयं सहायता समूह के बहनों ने करके दिखा दिया है। संस्था की महिलाओं को पहला बड़ा ऑर्डर मिला सागर जिले के देवरी तहसील की तर्ज पर स्वच्छता अभियान की टी शर्ट बनाने का। इस ऑर्डर को परंपरागत सिलाई मशीनों के सहारे पूरा कर पाना नामुमकिन तो था ही, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल था। ऐसे में 6000 टी शर्ट बनाने का लक्ष्य पूरा किया गया आधुनिक मशीनों की मदद से। 18 लाख रुपए का ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा करने की खुशी ने इनके हौसलों को पंख लगा दिए हैं। सिलाई का यूनिफॉर्म को कर रहे हैं ना, स्कूल की ड्रेस बना रहे हैं। अगले साल बनाई थी हमने 7000 के लगभग बनाई थी और उसके बाद में शुरू साल 4000 के लगभग बनाई थी, ऐसे शुरू साल थी। और इस साल हमें 2500-3000 का ऑर्डर मिल गया अभी और ऑर्डर पे फोन पे फोन आ रहा है तो हम ऑर्डर लेने चालू कर दिए और ये ड्रेस बना रहे हैं। इस हुनर के सहारे बड़े बड़े ऑर्डर पूरे करने वाली महिलाएं वित्तीय रूप से सक्षम तो हुई ही हैं, साथ ही अब समूह से अलग खुद स्वतंत्र काम करने के लिए भी ये सक्षम हो गई हैं। सीखने के बाद हम घर पे सिलाई करने लगे, उसके बाद अच्छी सिलाई होने लगी हम लोगों की तो हम लोग खुद ही आपस में ऑर्डर लेने जाने लगे स्कूलों में। ऑर्डर लेने के बाद में हमने खुद सिलाई की और आज हम खुद लोग यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। एक बड़ा सिलाई सेंटर खुल चुका है हमारे यहाँ पे और सिलाई करते हैं यहाँ पे। RCT की ट्रेनिंग ली थी और ये पेंट शर्ट, सलवार सूट, टी शर्ट ये सब समूह द्वारा ही सीखे हम और अब कटिंग करने भी सीख गए समूह द्वारा ही, कटिंग करके महिलाओं को देने का काम भी करते हैं। कोई भी ऑर्डर लेना और उसे पूरा करना अपने आप में जितनी बड़ी चुनौती थी उससे कहीं बड़ी चुनौती इन महिलाओं को एकत्रित करके समूह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना था। जिले के परियोजना प्रबंधक ने समूह को बैंक से मशीनें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दिलाने में मदद दिलाई। हम लोगों ने अभी ब्यावरा विकासखंड में एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिलाई सेंटर स्थापित किया है जिसमें लास्ट मंथ में 6000 से ज़्यादा टी शर्ट जो कठिन काम होता है महिलाओं के माध्यम से हो पाना वो महिलाओं ने इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर संचालित कर 6000 से ज़्यादा टी शर्ट की सप्लाई की है जो स्वच्छ भारत मिशन ने परचेस किए। इसी के साथ साथ जो इनको इसमें फ़ायदा हुआ उन्होंने अपना खुद का एक यूनिट स्टेब्लिश की है जो ब्यावरा विकासखंड में। हम लोग अब जो टी शर्ट उन्होंने बनाई है वो प्राइवेट स्कूल्स,
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जो लोकल मार्केट्स हैं उसमें कम रेट पर उपलब्ध कराएंगे। और जो इनके द्वारा जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है, क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है और रेट भी इसके सामान्य जो मार्केट रेट पर है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन तब मिला जब कलेक्टर ने इनके कार्यों को न सिर्फ सराहा बल्कि प्रमाणित भी किया। हमारे यहाँ पे जो स्व सहायता समूह है लगभग 8,000 से ज़्यादा हैं और लगभग 80,000 से ज़्यादा महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और सभी लगभग एक्टिव महिलाएं हैं। उनको बेहतर तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोऑर्डिनेट किया जाता है, उनकी जो सभाएं हैं उनको आयोजित करते हैं तो उसमें उनको तवज्जो दिया जाता है। और शासन की जो योजनाएं हैं जिसमें कि बैंक का उपयोग होता है उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहाँ काम करती है, तो एक प्रकार से बैंक सखी का जो है मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया है और वो नेशनल लेवल पे उसकी सराहना भी मिली है। स्वसहायता समूह की ये सफलता आज एक मिसाल बन गई है और ये सब संभव हो पाया है शासन और जिला प्रशासन के समन्वय से। आजीविका मिशन प्रदेश के 25 जिलों में स्वसहायता समूह के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इन्हीं 25 जिलों में से ही एक है बड़वानी जिला। कभी पपीते की उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए पहचाने जाने वाले जिला बड़वानी में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने जिले की आर्थिक स्थिति को बेहतर से और बेहतर बनाने के साथ साथ रोजगार बढ़ाने में भी मदद की है। विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से घिरा बड़वानी मई 1998 को पश्चिमी निमाड़ से अलग होकर नई पहचान के साथ विकास की राह में आगे बढ़ा बड़वानी। आगरा मुंबई हाईवे पर बसे बड़वानी की शोभा पावन नर्मदा से बढ़ती है। सालों पहले निमाड़ के पेरिस के नाम से पहचाने जाने वाले बड़वानी की भूमि का जिक्र इतिहास के पन्नों में भी मिलता है, तो आज प्रदेश में कपास की खेती के लिए खास तौर पर पहचाना जाता है। बड़वानी में अपने हुनर की बदौलत नई पहचान के साथ नई राह गढ़ रही हैं तहसील ठीकरी की महिलाएं। महज कुछ ही सालों में सिलाई में प्रशिक्षित हुई, सिलाई सेंटर शुरू किया। छोटे से सेंटर से शुरू हुआ सिलाई केंद्र इन महिलाओं के आत्मविश्वास और मेहनत की बदौलत खुद के भवन तक पहुंच गया है और लाभ का दायरा लाखों तक पहुंच चुका है। आज हम 40 महिलाएं एक साथ बैठ के यहाँ काम कर सकती है। गांव की कुछ महिलाएं आके यहाँ ट्रेनिंग लेती है, उसके बावजूद घर पर काम करती है। इसके बावजूद यहाँ मिशन से और भी हमने उद्योग करे, जैसे पापड़ मशीन लाई, उसके बाद हमने सेवई नूडल्स वगैरह उसकी मशीन लाई, उसके बाद आटा चक्की वड़ी आलू की चिप्स, मतलब इस उद्योग से हमने एक अलग अलग उद्योगों को भी ये दिए। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दिखाई गई राह पर ये महिलाएं आगे बढ़ते गई और प्रशिक्षण के दौरान ही कारखाने में सिलाई का काम भी शुरू कर दिया और यही इनके आत्मविश्वास और हौसलों को नई उड़ान मिली। महिलाएं जुड़ती गई, समूह का आकार बढ़ता गया और मजबूत होती गई समूह की पहचान। कर्मठता की पर्याय बन चुकी सेंटर में काम करने वाली इन महिलाओं के लिए कर्म ही पूजा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद सिलाई को अपनी आय के साधन के साथ घर मोहल्ले में अपनी पहचान बना चुकी हैं। कभी घर के कामकाज तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं सिलाई कार्य में निपुण हो चुकी हैं और आज गर्व से अपना परिचय दे रही हैं। टी-शर्ट या पॉलिथीन या लेगी पेटीकोट ब्लाउज सभी की कटिंग करती हूँ और मैं ट्रेनर भी हूँ, सिलाई भी सिखाती हूँ। और मैंने इस समूह से या इस संगठन से जुड़ के, इस कारखाने से जुड़ के 10,000 से 15,000 पहले स्टार्ट में कमाती थी, अभी 20,000 तक कमा लेती हूँ। यहाँ पे आके मतलब मैंने यहाँ पे मतलब कपड़े सिलना सीखा, यहाँ पे मशीनों सीखी, यहाँ पे और टी शर्ट भी सिले हमने,
गर्मी की छुट्टियों में टी शर्ट सिले, अभी ये मैं हर रोज़ यहाँ पे आती हूँ और हर रोज़ मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब सीख के जाती हूँ रोज़। इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति तो सुधरी ही है, साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और इनकी खुशी का इजहार कर रही है इन महिलाओं के चेहरे की चमक। दीदियों को ट्रेनिंग देती है तो दीदियाँ भी बोलती मैडम आई गई, मैडम आई गई करके वहाँ भी दीदियाँ बहुत खुश हो जाती है और दीदियों को भी यानी ट्रेनिंग देती है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। दीदियाँ फ़ोन लगा के बुलाती, दीदी आज गुरुवार आ गया ट्रेनिंग देने का, आ गई दीदी आज शुक्रवार आ गया, ऐसे यानी कि बहुत खुशी मिलती है। कभी गाँव में केवल घर और खलिहान तक सीमित रहने वाली महिलाओं की स्थिति ने आज करवट बदली है, जिसका श्रेय जाता है इनकी मेहनत को और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को। आजीविका मिशन के माध्यम से उन्हें अत्याधुनिक सिलाई के कार्य में और दक्ष और प्रशिक्षित किया जा रहा है, जैसा कि अभी राज्य कार्यालय से भी इसको इनिशिएटिव लेकर NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इस सिलाई सेंटर की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे कि वे सिलाई कढ़ाई में टी शर्ट जीन्स शर्ट और एम्ब्रॉयडरी से संबंधित कार्य कर सके। तो आजीविका मिशन निरंतर इन महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करता है, उन्नत तकनीकों से इनको रूबरू कराता है, जिससे कि वे अपने कार्य में और अधिक दक्षता हासिल कर सके। जिले की हर योजना परियोजना के समन्वय के साथ साथ उन पर क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी भी रखते हैं यहाँ के कलेक्टर। हमारा कोशिश यही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हम दें और वो अपने बलबूते पे खड़े हो जाएं। जो भी लोकेशन के प्रॉब्लम हो या फिर सेटअप के प्रॉब्लम हो, एक बार वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे वो खुद ही संभाल लेंगे। तो इसी के चलते पिछले दिनों हमने इनको बहुत रेगुलरली बिजनेसेस दिए हैं एंड हमारा कोशिश भी ये है कि इनको हम हर रेगुलर इंटरवल में बिजनेसेस देते रहें ताकि ये अपने बलबूते पे खड़े हो जाएं। समूह की महिलाओं के हुनर पर कलेक्टर की मोहर तो लग गई है। ये ऐसा प्रांगण है जहां महिलाएं अपनी रुचि के अनुसार सेवई, पापड़, मसाला और आटा बनाना सीखने के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं। आजीविका से जुड़े कार्यों की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। प्रदेश के 25 जिलों में इस तरह की गतिविधियों से हजारों महिलाएं उन्नति की राह पर आगे बढ़ रही हैं और इसे अमली जामा पहनाया सूबे के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने। इसमें दो किस्म की महिलाएं हैं, एक तो जो कृषि कार्य करती हैं और कृषि कार्य के अलावा एक अतिरिक्त आय का स्रोत उनका सिलाई है, अर्थात वो 2-3 घंटा काम करके अपना इसमें आय अर्जन करती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास कृषि कार्य नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, वो दिन भर में 7-8 घंटा काम करती हैं और उनका मुख्य आय का स्रोत सिलाई बन गया है। शुरू में तो हमें कुछ उनको मदद करनी पड़ी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अपने मार्केट ढूंढ ली हैं। जैसे बड़वानी से इंदौर वो अपना सामान ले जाते हैं, उनको ऑर्डर्स भी मिलते हैं, ऐसे ही राजगढ़ से भी भोपाल भी जाते हैं, ग्वालियर भी जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी भी गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, तो भोपाल में एक निफ्ट है, उस इंस्टीट्यूट से हम उनको और प्रशिक्षण दिलाना चाह रहे हैं। हमारी बात भी निफ्ट में हुई है ताकि उनके जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता और भी अच्छी हो सके। एक समूह और एक उत्पाद से शुरू हुआ कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है और मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। घरेलू महिलाओं का सिलाई करना कभी या तो शौकिया होता था या फिर मजबूरन। तब महिलाओं का यह सिलाई का काम मजबूती से आर्थिक संबल प्रदान नहीं कर पाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ऐसा मुमकिन कर दिखाया है कि अब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ साथ समाज में अपनी सम्मानजनक पहचान बना चुकी है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।